और यहाँ पे आ जाता है किचन। किचन यार ओपन किचन है ये भाई, बच्चों का स्लीपिंग रूम है जहाँ पे एक ये बहुत ही अच्छा सा मैट पड़ा हुआ है। गंदा बच्चा, गंदा बच्चा, गंदा बच्चा, गंदा बच्चा, गंदा बच्चा, गंदा बच्चा, गुड बॉय। बड़ा शरीफ हुआ है कैमरे के सामने, नहीं तो ये। हाँ ये तो गार्डन का यार बड़ा जबरदस्त सीन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाता है भाई का रूम, ये दिखाएं यार आपको। Like I ain't in a teed up, I turn them to vegan. I'm really a creature, she sent me to beacon. I beat it and flee it, it's all of these niggas won't beat me, they can't. I'm somewhere tucked off, I'm late in the shade and I'm counting mine, still ain't made it. I'm jaded, my latest, my greatest, I ain't ever caving. They see me, I'm him, I'm a gem in the soil, it's by the time I've been at the mine. I'm one with the culture, they more like a gimmick. I'm pushing the needle, I'm leaving the key and it's running on meter. I want me a boy and I need him to see me. Yeah, I know it's my season, my family the reason I be who I'm being. Solid. Lately I'm pushing the needle forward to the people that knew me and traded sides. I'm up now, don't hit me to make it. Assalamualaikum everyone, this is Talha Rahman and welcome back to my channel once again. तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ अपने घर का हाउस टूर। घर का हाउस टूर, हाउस टूर घर का ही होता है ना यार। मुझे ऑलमोस्ट यूके में एक साल से ज्यादा हो चुका है और दिस इज द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो कि यार हाउस टूर दो, हाउस टूर दो, हाउस टूर दो। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी और मैंने कुछ टाइम पहले बताया भी था कि यार मैंने घर मूव किया है, नई जगह पे शिफ्ट हुए हैं और मुझे हाउस टूर देना है। बस यार कुछ रीजंस थी जिनकी वजह से ना थोड़ा बहुत डिले हो रहा था हाउस टूर। तो आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि यार मैं कहाँ पे रहता हूँ, मेरा घर कहाँ पे है, दिखता कैसा है, ये अंदर से रूम्स कितने हैं, मेरा रूम स्पेसिफिकली कैसा है, इसका रेंट वगैरह कितना है, इसके अंदर कौन सी मतलब फैसिलिटीज हैं, क्या ये सारी चीजें आपको आज की वीडियो में बताई जाएंगी। स्टार्ट लेते हैं घर के बाहर से, मैं हूँ अभी लिविंग एरिया में, ठीक है। तो ये भी आपको सारा दिखाया जाएगा लेकिन मैं घर के बाहर से स्टार्ट लेता हूँ, आपको बताते हैं कि घर स्टार्ट कहाँ से होता है, इंटरेस्ट कैसी है, फिर उसके बाद बाकी सारी बातें आपसे करते हैं। तो लेट्स गो। Right, I'm at it, dole, I've been taking mines. Get scared of the heights that I'm reaching for. Don't even know what you're reaching towards. Don't even know what you're reaching for. I really went from wearing rags on me to his racks on me. First class, they ain't got a pat on me. Let the chain dangle, bitch, I'm raiding the mainframe. Turn my pain into pain on a canvas. I've been a head case. Ben Frank only right, I get Ben Frank and burnt to win. अच्छा यार, starting from Basanti, ये आपके भाई की गाड़ी खड़ी हुई है, ये घर है, ये गाड़ी है, ये घर है। अभी यहाँ से एंटर होते हैं, बताते हैं आपको कि यार स्टार्टिंग में क्या सीन है सारा। अच्छा घर पे स्टार्ट होते ही भाई ये एंट्रेंस है आपकी, पहले डोर क्लोज कर दें। और ये है भाई आपकी एंट्रेंस, एक रूम जो है वो यहाँ पे आ जाता है, ये वाला जो कि फिलहाल मतलब के है तो फ्रंट रूम है लेकिन एज अ स्टोरेज यूज हो रहा है। उसकी रीजन ये है, अंधेरा आ रहा है, हाँ उसकी रीजन ये है कि यार यहाँ पे ना स्टोरेज है, मतलब स्टोरेज इस तरह से कि मेरी साइकिल खड़ी हुई है अंदर और जो है ना घर की काफी सारी चीजें पड़ी हैं क्योंकि हमने रिसेंटली मूव किया है। तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी जिनकी यहाँ पे अभी तक एज सच स्पेस बनी नहीं है तो उनको हमने यहाँ पे स्टोर किया है, इसलिए मैं आपको ये वाला रूम नहीं दिखा रहा। बाकी परेशान नहीं होना, आपको बाकी सारा दिखाते हैं। अच्छा एंट्रेंस होते ही एक ये जाता है रास्ता ऊपर, ऊपर आपको तीन रूम मिल जाते हैं वो भी आपको दिखाए जाएंगे। पहले बात करते हैं लिविंग एरिया की। एंटर होते ही यार आपके पास आ जाता है लिविंग एरिया, ये काफी बड़ा है। यहाँ पे एक सोफा, एक वहां पे सोफा और एक ये यहाँ पे 55 इंच की एलसीडी पे आपका भाई आ रहा है तलहा रहमान। और यहाँ पे नीचे यार यूके में आपको पता है घरों में सारी कारपेट ही होती है, यहाँ पे भी नीचे कारपेट ही है और यहाँ पे ना ये सारा लकड़ी का फ्लोर होता है तो ये सारी इस तरह की सिचुएशन है। अच्छा एक और चीज, यूके में ना भाई घरों में हीटिंग लगी होती है इस तरह की, ये ना पूरी एक हीटिंग है, ये आपको घर के हर कोने में मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ना, ऐसे ही एक ये सोफे के पीछे भी है, ये वाली एक ये यहाँ पे है और एक वो वहां पे लगी हुई है। यहाँ पे एक ये खूबसूरत सा शीशा लगा हुआ है, ये एक यहाँ पे क्लॉक लगी हुई है। तो हाउस टूर यार बस इसी तरह का है कि आपको ये सारी छोटी छोटी चीजें दिखानी है मैंने। तो ये एक यहाँ पे फानूस लगा हुआ है और यहाँ पे आ जाता है किचन। किचन यार ओपन किचन है, यहाँ पे ये टेबल है, यहाँ पे बैठ के खाओ पियो और ये एक सारा ओपन किचन है। अच्छा एक और मजे की बात यह है कि एक किचन इसकी बैक साइड पे भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक केटल वगैरह, क्योंकि पानी यहाँ पे बॉयल करके यूज किया जाता है, टी शुगर नहीं शुगर टी कॉफी, ये नमक मिर्चें हैं, बेसन लगा हुआ है यहाँ पे। एक ये कुकर है, मतलब ये नीचे ओवन है इसके चूल्हे, और ये वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट जो भी आप कह लो, हुड कह लो, जो भी कहना है यार मुझे नहीं पता इतना। अच्छा यार आपको मेरा रूम दिखाया जाए कि मेरा रूम कैसा है, मेरे रूम से व्यू कैसा है और बाहर गार्डन का क्या सारा सीन है वो दिखाया जाए, उससे पहले आपको ऊपर वाला पोर्शन दिखाते हैं कि ऊपर कितने रूम है, ऊपर की क्या सिचुएशन है, क्या सारा हिसाब है। तो अभी ऊपर चलते हैं। अच्छा यार ऊपर का सीन ये है कि यहाँ पे ऑब्वियसली घरों में कारपेट होती है, जूते कम लोग ही पहनते हैं यहाँ, मतलब कि घर में यार जूते यूज ही नहीं होते। तो यहाँ पे
फ्लोर पे सारी कारपेटिंग वगैरह, ऊपर बेसिकली है तीन रूम, दो जो है वो बच्चों वाले रूम है और एक जो है वो मेन बेडरूम है। तो सबसे पहले एक ये रूम आ जाता है हमारे पास जिसमें बच्चों का है, तो इन सारी चीजों पर फोकस नहीं करना, बच्चे खेलते रहते, ये सारी चीजें जो है वो लगी रहती है क्योंकि बच्चों का आपको पता है यार इसी तरह का सीन होता है। और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाता है एक ये वाला बेडरूम, ये बच्चों का स्लीपिंग रूम है, वो प्लेइंग रूम है इसलिए वहां पे ना सारा मतलब खिलार बना हुआ था, बच्चे खेलते रहते हैं ना। ये भाई बच्चों का स्लीपिंग रूम है जहाँ पे एक ये बहुत ही अच्छा सा मैट पड़ा हुआ है, ये बच्चों की कपड़ आ जाती है, ये एक बंक बेड है जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, यहाँ पे सारी गोंद की अपनी बच्चों की खेलने की चीजें पड़ी हैं। क्योंकि यार आपको पता है कि मेरा तो फैमिली के साथ, और अगर नहीं पता तो ही बता देता हूँ कि यार मैं फैमिली के साथ हूँ, यहाँ पे मेरी यहाँ पे खाला होती है और उन खाला की दो प्यारी प्यारी बेटियां भी हैं जिनका ये रूम है, तो एक ऊपर एक नीचे, ये सारा उनकी चीजें पड़ी हैं खेलने चलने की। और मतलब यार बच्चों का आपको पता है यहाँ पे पड़ा ना और सीन होता है, पाकिस्तान में इतना नहीं होता, हमने भी यार बचपन में कोई इतना सीन नहीं किया, हमारा भी बचपन वही सिंपल चरपाइयों वाला ही होता था, लेकिन ये यूके है ना भाई, दिस इज यूके बेबी। तो यहाँ पे बच्चे ना इस तरह के इंतजाम करते हैं, अपने साइड पे बचपन वाली पिक्चर्स लगा ली, वो स्लीपिंग मास्क लगा लिया, वो उधर अलार्म क्लॉक लगा ली, ये यूनिकॉर्न, ये सारी चीजें जो है वो होती हैं। अब ये देखो, अब जैसे देखो ये पिल्लो शिल्लो पड़ा हुआ है, तो ये शशके यूके के हैं। अच्छा यार इस रूम से निकलते ही हमारे पास आ जाता है ये एक मेन बेडरूम है, मतलब कि जो मेन घर का बेडरूम होता है ना वो ये वाला है। एक यहाँ पे ये लगा हुआ बड़ा सारा ये रूम है, ये यहाँ पे सारे कैबिनेट्स बने हुए हैं, ये भी ना सारे कैबिनेट्स हैं, और एक ये यहाँ पे भी है। एक टॉयलेट यहाँ पे आ जाता है ये वाला, अभी टॉयलेट आपको क्या दिखाऊंगी यार, आप बोलोगे पता नहीं क्या हरकतें कर रहा है। अच्छा एक और चीज़ है हमारे पास जो कि आपने शायद पहले कभी ना देखी हो, वो है ये माइलो, गुड बॉय। जैसे हमारे घर बच्चे हैं ना, तो बच्चों के पास एक ये बिल्ला भी है, ये एक अदद मेल है और इसका नेम है माइलो। Milo, what's up boy? Good boy, good boy. तो ये पूरे घर में लूट लूट करता रहता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, गंदा बच्चा गंदा बच्चा गंदा बच्चा गंदा बच्चा गंदा बच्चा गंदा बच्चा गंदा बच्चा, good boy. बड़ा शरीफ हुआ है कैमरे के सामने, नहीं तो ये हाँ ये इसकी हरकतें होती हैं, ये बाइटिंग करता है, बाइटिंग। इस घर में ना भाई स्टोरेज की भरमार है, जैसे ये बच्चों का प्लेइंग एरिया है ना, मतलब प्लेइंग रूम है, तो यहाँ पे अब ये एक यहाँ पे एक और भी है, ये स्टोरेज की टेंशन नहीं है यहाँ पे। अच्छा अब बात कर लेते हैं नीचे की, नीचे वाला रूम भी दिखाना है यार आपको मेरा, मेरा रूम कैसा है वो भी जाके दिखाते हैं आपको कि क्या सीन है सारा। अच्छा ये लिविंग एरिया ऊपर से आओ ना, तो यहाँ पे आते साथ ही पहले लिविंग एरिया आता है, लिविंग एरिया के साथ जो है वो ये मेन किचन आता है हमारा, और इसको क्रॉस करते हैं हम यहाँ से, यहाँ पे ये भाई गार्डन की एंट्रेंस आ जाती है। पहले गार्डन दिखाते हैं यार आपको, रूम फिर दिखाएंगे, यूट्यूबर है ना तो वॉच टाइम बढ़ाना होता है यार, ये सारे काम करने होते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। हाँ क्यों, तुझे भी आना भाई, अंदर ही रह बेटा, तेरा कोई काम नहीं है भाई। अच्छा आपने मेरी वीडियोस वगैरह देखी होंगी ना गार्डन में, तो वो इसी जगह की है यार, इसी जगह पे मैं यहाँ पे ना घूमते घूमते वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ। तो गार्डन का यार बड़ा जबरदस्त सीन है यहाँ पे, वो एक पीछे स्टोरेज बनी हुई है जहाँ पे आप अपनी एक्सेस चीजें रख सकते हो जिनकी आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये सारा घास वगैरह लगा हुआ है, ये भी सेट करना है हमने, यहाँ पे ना प्रॉपर पौधे वगैरह लगाने हैं, इसको सेट करेंगे गर्मियों में, फिर आपको पता है कि बाहर बैठने वाला सीन होता है, ये सारा वुड का लगा हुआ है। अच्छा ये जो लाइट्स लगी हुई है ना यहाँ पे, ये सारी सोलर वाली हैं, मतलब ये कि ये रात को चार्ज होती हैं, सॉरी रात को नहीं दिन को चार्ज होती हैं। अरे कहना क्या चाहते हो, पगला गए होका, रोजा लग गया। तो यार ये लाइट्स जो है वो दिन को सोलर से चार्ज होती हैं और रात को ना फिर ये सारी जो है वो ऑन हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, तो ये बड़ा ना प्यारा सीन होता है। ये वाली सारी लाइट्स ऐसे ऑन, ये वाली ऐसे ऑन, वो वाली वहां पे ऑन, तो ये है मेरा रूम। तो यहाँ से ना रात को भी एक बड़ा जबरदस्त सीन नजर आता है, लेकिन दिन को ना ओए सुबह बंदा उठे ना तो जो सामने ऐसी सनशाइन नजर आती है, क्या बात है। अभी आपको रूम दिखाते हैं अपना, मेरा रूम किस तरह का, ये बाहर आ गया। माइलो करन 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 भागा भागा भाग भाग हो गया। अच्छा यार गार्डन से अंदर आते ही एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा किचन भी है जो कि हम यूज नहीं करते। यहाँ पे ये माइलो का फूड पड़ा हुआ है, ये हमने कुछ पौधे लगाए हुए हैं, इनका प्रोसेस चल रहा है, पता नहीं अब क्या होता है इनका ना। यहाँ पे आ जाती है एक अदद वॉशिंग मशीन और एक अदद फ्रिज। यहाँ पे आपको पता है यार वॉशिंग मशीन इस तरह की होती हैं, किचन में ही लगी हुई होती हैं, तो खैर ये किचन हम यूज तो नहीं करते, ये स्टोरेज रूम ही है। और यहाँ पे आ जाता है एक अदर डिश वॉशर, ये डिश वॉशर है जो कि हम यूज करते होते हैं जिस दिन मेहमान वगैरह आते हैं, जिस दिन खाने के बर्तन ज्यादा हों तो फिर उस दिन इसको चलाते हैं, क्योंकि ये पूरा फिल करना पड़ता है, तो जब बर्तन ज्यादा हों तब इसको यूज किया जाता है। अच्छा ये यार माइलो की लेटर ट्रे है जहाँ पे उसने अपना सिस्टम करना होता है सारा, ये उसका फूड वाला पॉट है, और वो दिखाते हैं आपको यार। एक ये है मेरे रूम के साथ टॉयलेट, ये यहाँ पे आपके पास आ जाता है यार, शावर एरिया, शावर लो यहाँ पे, गंगा नाच जो मर्जी करो। और इफ यू आर एशियन तो आपको पता होगा कि भाई एशियन पीपल के टॉयलेट में लोटा एक अदर जरूर होता है, तो दैट्स लोटा।
और यहाँ पे है एक अदर टब, अगर आपने मतलब नहाने वाला सीन है भाई, पानी गर्म करो इसमें डालो और लेट जाओ घंटे दो के लिए, तो ये यहाँ पे भी ये शावर लगा है अगर आप शावर लेना चाह रहे हो तो। अच्छा यार वीडियो में आगे बढ़े और आपको अपने रूम का टूर दे तो उससे पहले एक और चीज आपको बतानी है वो इस फ्लोर के बारे में। ये फ्लोर देख रहे हो आप सारा, इसकी एक स्पेशल चीज है और वो स्पेशल चीज ये है कि जैसे ये वाली हीटिंग लगी है ना फॉर एग्जाम्पल, तो ये पूरे घर को गर्म करती है, इसी तरह भाई ये एक और बोर्ड भी पड़ा है, तो ये जो सारा फ्लोर है ना भाई इसके नीचे लगी हुई है एक अलग हीटिंग, मतलब कि अगर आप वो वाली हीटिंग ऑन करते हो ना तो उसके साथ आप ये ऑन करते हो तो ये पूरा फ्लोर जो है ना सही जबरदस्त गर्म हो जाता है। अभी तो मैंने जूते पहन लिए ना, तो इसके ऊपर आप फिर ऐसे जूते उतार के घूमो भाई, जो सुकून आता है इस पे सही ना, ये गरम गरम हो जाता है और आपके घर को भी गरम कर देता है, सर्दियों में ना बड़ा मजा आता है स्पेशली। तो ये पूरा फ्लोर जो है ना इसके सारे फ्लोर के नीचे यहाँ से लेके वो मेरे रूम तक ना इसमें सारी हीटिंग लगी हुई है, तो अगर आप इसको ऑन करते हो ना तो ये बड़ा मजे का हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाता है भाई का रूम, ये दिखाएं यार आपको, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी बहुत ज्यादा कि भाई आप अपना रूम दिखाओ, तो ये है मेरा रूम भाई, ये देखो यहाँ से एंटर हुए, ये एक साइड टेबल है, ये मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है, ये एक अदर लैंप लगा हुआ है, ये एयरपॉड्स वगैरह पड़े हैं, ग्लास पड़ा है लेकिन अभी नहीं है क्योंकि रोजा है भाई का, ये ना समझना भाई खोजे मार रहे रोजे रख रहे हैं पूरे पूरे। और यहाँ पे आ जाता है एक अदर बेड जो कि सिंगल है, ऑब्वियसली सिंगल ही होना है भाई, हम सिंगल है हमारा बेड भी सिंगल है। और एक अदर यहाँ पे ये विंडो आ जाती है जिसको मैंने अभी तक ऐसा कोई यूज किया नहीं है, उसकी रीजन ये है कि भाई अभी तो होती है सर्दी तो इसको यूज करने की ना फिलहाल जरूरत पड़ ही नहीं रही, मतलब ये फिलहाल बांध दिया है। और यहाँ पे आ जाता है एक अदर सोफा, ये यहाँ पे जाए नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा ये घड़ी ना ये यहाँ पे लगी हुई थी यहाँ पे ना, तो मैं फिर ये अलमारियाँ वगैरह लाया ना तो फिर उसके बाद इसकी जगह नहीं बांधी, तो मुझे ये वाली कील यहाँ से निकालनी है, यहाँ पे लगानी है, फिर घड़ी वहाँ पे लगा देंगे, आलसी मैं, एक छोटा सा काम भी नहीं किया अभी तक। अच्छा यहाँ पे आ जाती है ये दो अदद अलमारियाँ, ये यहाँ पे बिल्कुल हैंग करने वाला सिस्टम है और यहाँ पे नीचे स्टोरेज है और ऊपर भी स्टोरेज है, हैंग भी कर सकते हो। ये दो अदद बैग हैं जो कि मैं पाकिस्तान से लेके आया था, अब दोबारा जाएंगे तो यूज़ होंगे। इसके अंदर एक दूसरा भी है, ये जो बड़ा वाला ना इसके अंदर एक और भी है, एक ही छोटा वाला हैंड कैरी, ये इग्नोर करो यार इन चीज़ों को नहीं देखना। ये आ जाता है आपका एक अदद इकलौता भाई, तो यही सीन है यार मेरे रूम का सारा, यहाँ से सही आपको नजर आएगा प्रॉपर, बस इसको इग्नोर करना। यहाँ पे ये बेड है, ये साइड टेबल है, ये आ जाता है एक अदद सोफा, वो एक अदद घड़ी, ये एक अदद जाए नमाज। और अभी रुको यहाँ से जो सीन आपको नजर आएगा ना वो भाई मजे का, एक सेकंड, यहाँ वाला जो सीन है ना भाई वो जबरदस्त है, वो दिखाते हैं आपको। तो यहाँ का सीन ये है कि आप फॉर एग्जाम्पल सुबह सुबह सो के उठे हो तो ये चीज, ये वाला जो सीन है ना भाई ये इस रूम का सबसे बेस्ट पार्ट है, मतलब कि हर तो ओवरऑल देखा है यार आपने सारा ही अच्छा है, लेकिन ये वाला जो रूम है ना इसकी स्पेशलिटी ये है, मतलब खास बात ये है कि भाई इसका जो फ्रंट व्यू है ना वो बड़ा जबरदस्त किस्म का है। ये आपका बेड लगा हुआ है, आप सुबह उठते हो और एक मिनट आप सुबह उठते हो और विंडो हटाते हो यहाँ से ये कर्टन, और ये आपको यहाँ से सारा व्यू देखने को मिलता है, सुबह सुबह वहां से धूप आती है ना तो बड़ा जबरदस्त लगता है यार ये सीन सारा। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट के इस घर का जो सबसे अच्छा व्यू है ना वो यही वाला है, और मेरा जो रूम है वो उससे ये व्यू नजर आता है। तो ये सारा आपने देख लिया और सीन यार यहाँ पे वही है, कोई और चीज है नहीं इसमें, बाकी इसमें मेरी जरूरत की चीजें पड़ी होती है सारी बेसिक, और ये लैपटॉप है मेरा, बाकी तो बता दिया सारा। अच्छा यार घर तो आपने देख लिया, रूम वगैरह भी मेरा देख लिया, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको घर कैसा लगा, मेरा रूम स्पेसिफिकली कैसा लगा, आप कैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसा ही था या नहीं था, ये सारी चीजें आप मुझे जरूर बताइएगा। और अगर लोकेशन की बात की जाए तो मैं आपको स्पेसिफिकली तो नहीं बता सकता कि मेरा घर किस रोड पे है, उसका नंबर वगैरह क्या है, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि मेरा घर है भाई स्पार्क हिल में, स्पार्क हिल जो है वो बर्मिंघम में आता है, बर्मिंघम में किस जगह पे आता है, आता है स्ट्रेटफोर्ड रोड के पास। और अगर रेंट की बात की जाए ना भाई तो वो काफी ज्यादा रीजनेबल है, क्योंकि जितना बड़ा ये घर है जितनी यहाँ पे फैसिलिटीज वगैरह है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो जिस प्राइस में हमें मिला है वो यार काफी रीजनेबल है। बस ये है कि ये एक फैमिली ने अपने लिए बनाया था खुद रहने के लिए, लेकिन ये कि वो यहाँ पे ना स्टेबल नहीं हो सके, वो बेसिकली लंदन से आए थे और उन्होंने ना इसको सारा रीफर्निश किया सारा कुछ, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि यार किचन नया बना हुआ है, रूम्स नए बने हुए हैं, हर चीज यहाँ पे ना बिल्कुल नई बनी हुई है, तो उन्होंने अपने लिए बनाया था, लेकिन ये है कि उनकी यहाँ पे ना ऐसी सेटिंग हो नहीं सकी तो उन्हें फिर यहाँ से वापस जाना पड़ा लंदन जहाँ पे उनका पहले अपना घर था। तो बाय चांस ये कि हमारी उनसे इंटरेक्शन वगैरह होगी, हमने आके घर देखा तो उसी दिन डिसाइड कर दिया, हमें घर मिला है भाई 950 का, मतलब 950 पाउंड इसका रेंट जाता है पर मंथ का। और इसके एक और रीजन ये है कि हमें ना डायरेक्ट ओनर से मिला है, अगर आप किसी कंपनी वगैरह से लेते ना, क्योंकि हम देखते रहे हैं काफी टाइम, तो कंपनी अगर इस तरह का घर जो है वो लेट करती है ना तो वो कम से कम 1200-1300 पाउंड ये मिनिमम रेंट है, अगर इतना बड़ा आप घर देखते हो ना तो 1200-1300 पाउंड उसका नॉर्मल होता है रेंट। लेकिन हमारे पास प्लस पॉइंट ये था कि हमने डायरेक्ट ओनर से लिया तो बीच में कोई ऐसा कोई एजेंसी वगैरह नहीं थी, जिसकी वजह से ना हमें जो है वो कम प्राइस में यहाँ पे घर मिल गया। और घर की आपने ऑब्वियसली आपने वीडियो सारी देखी है तो आपको पता होगा कि अंदर से ये कितना जबरदस्त बना हुआ है। तो यार डू लेट मी
नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको जो है वो घर कैसा लगा। दिस वाज द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो मेरे चैनल पे, जो सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी वो ये थी कि भाई हाउस टूर दो, हाउस टूर दो, घर का टूर दो, भाई अपने रूम का टूर दो। ये सारी चीजें जो है मुझे काफी ज्यादा टाइम से लोग पूछ रहे थे और इसकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी। तो फाइनली इंतजार की घड़ियां हो गई खत्म यार, हाउस देख लिया होगा आपने। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जो है वो मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन देता है। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। बस यही है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज तला साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।